हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको साथ ही ऑनलाइन से दोबारा प्लांट्स मैंने जो बुलवाए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये पक्षी के लिए पानी रखा हुआ है, कबूतर आते हैं हमारे यहाँ पे पानी पीने के लिए, और वो प्लांट्स मैंने शिफ्ट कर दिए। अभी तो छोटे छोटे पॉलीथिन वगैरह के उसमें मैंने डाल दिए हैं ताकि उनको जब वो थोड़े बड़े हो जाएं, ठीक हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, तो उनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी बड़े पॉट्स में, तो इसलिए मैंने उनको ऐसे डाल के रखा है। ये देखिए, कनेर लगाया था मैंने, इतने से केन होता है जो ऑयल का, उसमें आधा कट करके उसमें लगा दिया था, तो उसमें कली आ रही है। पहला फ्लावर खिलेगा, मैं बताऊँगी आपको जब खिलेगा तब। और ऐसे मैंने उनको लगा दिया है। अब उनकी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, तो ये छोटी छोटी पॉलीथिन ऐसे काट के रख ली थी, उनमें मिट्टी डाल ली थी मैंने ताकि शिफ्ट करने में आसानी हो। और ये कनेर है, ये भी कनेर है, और ये मैंने लगाया है, ये एलिमेंडा है, येलो वाला बुश वैरायटी वाला है ये। और आई थिंक तीन ये हैं, एक यहाँ लगाया है, बाकी ये सेवंती हैं सारी। मैंने सेवंती भी लगाई थी, तुलसी जी हैं और इसमें भी सेवंती है। ये आया है बाकी एक, ये हिबिस्कस है, आई थिंक ये रेड वाला है, एक डिफरेंट टाइप की वैरायटी वाला है ये। और बाकियों को मैंने शिफ्ट कर दिया था, बाकी को मैंने पॉट्स में ही डाल दिए डायरेक्ट, क्योंकि अच्छी हेल्दी थे वो। ये एक्सोरा है, कलर मुझे पता नहीं कि कौन सा एक्सोरा है, बट इसकी थोड़ी ठीक मुझे हेल्थ दिख रही थी तो मैंने इसको इसमें पॉट में डाल दिया। ये भी अच्छा है, ओलियंडर है, पता नहीं कौन से कलर वाला है, रेड या येलो, बट इसकी कंडीशन भी ठीक दिख रही थी, इसको मैंने पॉट में ट्रांसफर कर दिया। ये एक और एलिमेंडा है, येलो वाला ही है, मैंने दो बुलवाए थे कि अब मान लो एक ख़राब आए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक एलिमेंडा बुलवाया था येलो, पर आई थिंक बुश वाला ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने दो बुलवाए थे इस बार, एक उधर है एक ये है। तो ये भी मुझे इसकी कंडीशन, ये देखिए थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आ रही हैं, तो ठीक ही दिख रही है, आई थिंक ये ख़राब नहीं होगा। तीन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बाकी एक गुलाब जो मैंने आपको बताया था रोज़, वो तो पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, और एक जो दूसरा वाला गुलाब था वो ज़रूर मैंने ऐसे करके यहाँ लगा दिया है। अब अगर इसमें पत्तियाँ आ गई तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसा मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है फ्रेंड्स। ये चांदनी है, मैंने मेनली ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिनकी केयर कम करनी पड़े और जो गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में ख़राब होने के चांस जिनके सबसे कम हो, तो मेनली रोज़ेस लगाएं, अच्छे लगते हैं रोज़ेस, ये छोटे पॉट में भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।